सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के साथ, वो भी एक गिलास दूध में आज की 2-in-1 लेयर चॉकलेट आइसक्रीम तैयार करेंगे, जिसमें हम ना कोई कंडेंस मिल्क डालेंगे और ना ही कोई व्हिपिंग क्रीम। किचन की ही रूटीन की चीज़ों के साथ आज की ये आइसक्रीम तैयार करेंगे, बिल्कुल बाजार जैसी क्रीमी, फ्लफी और सॉफ्ट तैयार होगी। इस चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी को देख लेने के बाद आप बाजार से तो आइसक्रीम नहीं लेने जाएंगे, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो सबसे पहले हम एक पैन में सिर्फ और सिर्फ एक गिलास दूध शामिल करेंगे, लेकिन दूध जो है आपने इसमें क्रीमी यानी कि काफ़ी देर बॉयल किया हुआ इस्तेमाल करना है। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे एक कप चीनी, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध को कुछ देर के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ पर हम एक बाउल में हाफ कप दूध डालेंगे और साथ ही हम इसके साथ 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमने दूध के अंदर डाल देना है, लेकिन इसी तरह से डालना है जिस तरह से मैंने आपको डालकर दिखाया है, चम्मच को रोके बगैर। आइसक्रीम में फ्लेवर के लिए हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे, या आप अपने टेस्ट के फ्लेवर भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला दूध डालेंगे तो दूध थोड़ा गाढ़ा ना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें इसका टेक्सचर चाहिए, और इसी स्टेज पे फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल बंद, ताकि दूध जो है थोड़ा ठंडा हो जाए। इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा किया है, और अब हम इसे ब्लेंडिंग जार में सारे का सारा ही डाल देंगे, क्योंकि ये एक गिलास है तो सारे का सारा ही इसके अंदर आ जाएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई मिल्क यानी कि एक कप सूखा दूध, और साथ ही हम इसके अंदर एक कप क्रीम भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने बाज़ार वाली क्रीम यूज़ की है, आप घर वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितना फ्लफ़ी लग रहा है, सेम आइसक्रीम की तरह। अभी तो हमने इसे चिल ठंडा भी नहीं किया, क्योंकि आइसक्रीम को हमने 2 लेयर्स में तैयार करना है, तो इसलिए हाफ़ मैंने एक बर्तन में डाल लिया है, और हाफ़ में हम एक कप चॉकलेट का शामिल करेंगे, मीन्स कि हम इसके अंदर चोको पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्पोजिबल बर्तन का यूज़ किया है, क्योंकि ये अच्छे से बंद हो जाएंगे और इसके अंदर कोई एयर नहीं जाएगी, और आइसक्रीम बनते वक्त भी इसमें आइस नहीं जमेगी। इसे हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए ही ठंडा किया है, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हम इसे लेयर्स देने के बाद ही करेंगे। इस तरह से ठंडा करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने आइसक्रीम में 2 लेयर देनी है। पहली लेयर हम इसके अंदर चॉकलेट की लगाएंगे और फिर वनीला की। मेरे ख्याल से आपको इससे आसान रेसिपी तो कोई और बता ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इसे घर की आम चीज़ों के साथ बनाया है, जो कि हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं। जब भी आपका मीठा खाने का दिल हो तो इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करें। झटपट और कम खर्च में तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है, और साथ ही आप इसका टेक्सचर भी चेक करें कि ये कितना क्रीमी है। और यहाँ पर मैंने इसे आइसक्रीम वाले बाउल में ही डाल दिया है। यकीन करें, जब मैंने इसे सबको दिया था तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि इसे मैंने घर पर बनाया है। बिल्कुल सेम बाज़ार जैसी लग रही थी। यकीन करें कि आप सभी भी इस रेसिपी को बना लेने के बाद यही कहेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।